अस्सलामुअलैकुम विवस, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सोकर उठे हैं और क्या कहते हैं, मैंने आज अपना सूट सीना था तो लैस लानी है। अब मैं कल बाज़ार जाऊंगी, लैस लेकर आऊंगी, कल मैं अपना सूट सिलाई करूंगी। तो आज राहिब की तबीयत नहीं सही थी, राहिब का मूड नहीं सही था, तो मीरब तो इतना कि फूफो की गोद में हिल गई है, वो झूली में नहीं लेटती। ऐसी फूफो ने उसकी आदत ख़राब कर दी है, तो हमने घर भी जाना, फिर घर ऐसे फूफो को याद करेगी तो हमने तो झूले में लटाना है। तो बस मीरब तंग कर रही है बहुत ज़्यादा, कहती है बस गोद से नीचे ना मैं उतरूँ। ये देखो राहिब खेल रहा था, इनके साथ खेल रहा था तो ज़ोर से नीचे गिरे, देखो सूझ गया मेरे बेटे का। कोई बात कोई बात, आज हम बाज़ार गए थे, बाज़ार से फिर कपड़े लेकर आई हूँ अपने, तो मैं अब दिखाती हूँ आपको कपड़े। देखो ये कि ये लेकर आई हूँ मैं अपना सूट, देखो इतना प्यारा है, ये मरीना का लाई हूँ। मैंने कहा चलो मैं मरीना का लेती हूँ, एक लीलन का लाई हूँ। ये देखो इतना प्यारा सूट है ये मेरा, तो ये इसका दुपट्टा देखो ये दुपट्टा है, ये देखो इस तरह के कपड़े सही रहते हैं, थोड़े से मोटे हैं ना ये मरीना। तो ये इसका शलवार, ये मेरा ट्राउज़र, तो एक ये लिया मैंने, ये लीलन का लिया मैंने, ये लीलन का सूट देखना, ये शर्ट है ये देखिए एक ये लिया है, देखो ये मुझे कितना सारा कलर है ये तो ये इसका दुपट्टा है ये देखो कितना प्यारा दुपट्टा है इसका, एक ये लिया, ये मेरी बेटी ने लिया मानो ने, क्यों वो कहती है मामा टू पीस अच्छे लगते हैं, मेरे दुपट्टे बड़े बड़े होते हैं सूटों के साथ, इसकी शॉल लेगी बाज़ार से। बस वो बच्चे रो रहे थे जलेली लेने की, ये घर आ गई हैं, ये मानो का है, ये मानो ने लिया है, ये इसका ट्राउज़र है, तो मेरा एक ये सूट मेरा है, ये लो ये भी करंडी का सूट है ये वाला ये देखो कितना प्यारा है, ये देखो कितना प्यारा कलर है ये कढ़ाई वाला है, सारा कढ़ाई वाला है। हाँ जी आप गिरो ना इसलिए रो रहे, ये ट्राउज़र है, तो ये इसका दुपट्टा है ये देखो कितना प्यारा सूट है। अभी एक दिन हम बाज़ार जाएंगे, अभी 5-6 दिन के बाद फिर जाएंगे, पहले ये सिलाई कर लेती हूँ कपड़े। हाँ जी क्या हुआ? ये देखो इसने ज़ोर से गिरा, देखो ये क्या हो गया सदके, ये इस सूट की लाई हूँ लैस, मैंने कहा चलो ये इस पर लग जाएगा, तो ये इसकी लाई हूँ, ये सूट की लाई हूँ मैं लैस ये वाली, तो दो सूटों की रहती है। बस वो बच्ची रोने लग गई थी ज़ोर ज़ोर से बाज़ार में, तो हमने कहा चलो चलते हैं फिर जाएंगे, फिर कपड़े और लेने हैं, फिर ऐसे और ले आऊँगी सूटों के साथ, जो जो है वो तो मैं सिलाई करूँ ना। ये मैंने कहा चलो उनको तह लगाती हूँ, रही ना करो इसको तह लगा के ना, जो श्रिंक किए हैं ना पहले के वो सिलाई कर लूँगी, कल इनको श्रिंक कर लूँगी, क्यों आज सारा दिन धूप नहीं निकली, तो अभी ये ला के रख दी हैं, इनको सिलाई करके फिंगर पिको वगैरह करवाने जाऊँगी बाज़ार। देखो इतना प्यारा मुझे तो कलर लगा है सूट का इतने थोड़ी सी कुछ चीज़ मैं ऐसे खा लूँ मेरा गला ख़राब हो जाता है, ये खांसी शुरू हो गई है, 5-6 महीने शरबत पी ली है ये खांसी का शरबत, तो मुझे आराम नहीं आ रहा। कल वो ले गया भाई ले गया आके, तो अब कल ये सीऊँगी, क्यों इसकी लैसें नहीं थी इसलिए मैंने सिलाई नहीं किया, तो आज लेकर आई हूँ ना लैस की, इंशाल्लाह सुबह सिलाई करूँगी, फिर वो दूसरे शिलिंग कर दूँगी साथ साथ ये देखो ये दो टोपियाँ लाई हूँ, एक मीरब की एक राहिब की, ये मेरा बेटा राहिब इतना प्यारा मेरा बेटा है, ये कसम से ये मोटा नहीं होता है, तो माशाल्लाह हर चीज़ देते हैं, तो ये कमज़ोर का कमज़ोर ही मेरा बेटा है। ये देखो ये मीरब की लाए हैं, वो कहते हैं ये मैंने लेनी है थी, लेकिन दोनों मीरब की, राहिब कहते हैं कि मेरी है। ये देखो हमने मसर चावल बनाए हैं, अभी ये खाना लगे हम खाने मसर चावल। ये मैं जूस बना रही हूँ, राहिब है ना वो दूध पहले पीता था, वो नहीं पी रहा, तो मैंने कहा चलो जूस बना लेते हैं। राहिब जूस पीना है? जूस पीना? मेरे बेटा जूस पिएगा। ये राहिब के लिए बना रही हूँ जूस, हाँ मैं बनाती हूँ। अच्छा जूस पीना है मेरे बेटे ने? जूस पीना है? मम्मा बनाती है। ये मीरब देखो
मेरे की तो बहुत गंदी आदत हो गई है, बिल्कुल नहीं बैठती, रोई जाती है। ये देखो जूस बना रही हूँ मैं, ये रहा शौक से पीता है, चलो इसके साथ हम भी पी लेंगे। ये देखो मेरे पास ही खड़ा है, ये देखो मेरी तरफ देख रहा है। सर्दी लग रही थी तो पहले भी चाय मैंने पी है, मैं कहा चलो बेटा फिर चाय बना दो, अब मैं चाय पी रही हूँ। तो क्या कहते हैं, मेरे पत्नी रो रही थी बहुत ज़्यादा, माँ को पहचानती है ना अब, जैसे जैसे मामा इधर गुजरती है ये रोती है। तो मैंने कहा पकड़ो अपनी बेटी को, ये तो बहुत तंग कर रही है मुझे। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।